नमस्कार, मैं अनु सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। बिहार में मिले कोरोना के 1385 नए मामले, राज्य में मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 21,558। बिहार में कोरोना का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ते जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में मरीज की संख्या सामने आ रही है। देखते ही देखते पूरा बिहार इसकी चपेट में आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1385 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,558 हो गई। बिहार में लॉकडाउन का असर, अगर जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा जब्त की जाएगी वाहन। राजधानी पटना में गुरुवार से लॉकडाउन प्रभावी हो गया। इस दौरान जिला प्रशासन ने केवल वैसे ही लोगों को घर से बाहर निकलने की छूट दी है जो अति आवश्यक कार्य से जा रहे हैं। इस बार वाहनों की पास की सुविधा नहीं रखी गई है, लेकिन सड़कों पर वाहनों की चेकिंग होगी। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि लोग अपना जरूरी काम करें, लेकिन प्रयास करें कि लॉकडाउन की अवधि में घर में ही रहे और जब आवश्यक काम हो तभी बाहर निकले। बगैर आवश्यक कार्य के घर से बाहर निकलने पर लोगों के वाहन जब्त। अब ट्रेन के आइसोलेशन कोच में होगा कोरोना मरीजों का इलाज। 20 जुलाई तक हर हाल में तैयार हो जाएंगे कोविड-19 कोच। भागलपुर जिले के कोरोना मरीजों का इलाज अब ट्रेन के कोच में होगा। राज्य सरकार ने मालदा मंडल के 2 दर्जन आइसोलेशन कोच बनाने को कहा। भागलपुर कोचिंग रेलवे यार्ड में इसके लिए मंडल कार्यालय से निर्देश आया है। गुरुवार की सुबह तक मालदा और दूसरे रेल मंडल से ट्रेनों के कोच भागलपुर में पहुंच जाएंगे। 20 जुलाई तक हर हाल में आइसोलेशन कोच को तैयार करना है। यह जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की देखरेख में होगा। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को फ्री में मिलेगा ऑक्सीजन सिलेंडर। 21 ऑक्सीजन सिलेंडर से यह सेवा शुरू की गई। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है। ऐसे में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के एक नई पहल की गई है। अस्पतालों में भीड़ कम हो और घर में ही क्वारंटाइन होकर लोग कोरोना का मुकाबला करें, इसके लिए सम्मेलन की ओर से निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर देने की पहल हुई है। बिहार में ठेले पर बैठकर कोविड केयर सेंटर जा रहे डॉक्टर साहब, लालू ने ट्वीट किया वीडियो। बिहार के सुपौल जिले में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे देखकर कहीं से भी यह नहीं कहा जा सकता कि सूबे में कोरोना वायरस से जंग लड़ने में सरकार गंभीर है। निर्मली नगर पंचायत के वार्ड 12 स्थित पब्लिक रेस्ट हाउस में बने कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी पर कार्यरत डॉक्टर अमरेंद्र कुमार ठेले पर बैठकर कोविड केयर सेंटर परिसर में जा रहे थे। बिहार के 14 जंक्शन पर 300 रेल कोच में बनेगा आइसोलेशन वार्ड। इसी कोच में चिकित्सका व मेडिकल स्टाफ भी रहेंगे। राज्य में बढ़ते कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए प्रबंधन की कवायद तेज हो रही है। मरीजों के लिए घट रहे अस्पताल को देखते हुए रेलवे ने बिहार को कुल 300 रेलवे कोच आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए आवंटित किए हैं। राज्य के 14 जंक्शन पर रेलवे आइसोलेशन वार्ड के लिए 20-20 कोच खड़े होंगे। फीस लेने के लिए 15 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। भागलपुर रवि 2020 से 21 में बीज वितरण से पहले ऐप के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। प्रदेश के कृषि निदेशक ने जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा को पत्र लिखकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसान रवि 2020 से 21 की विभिन्न योजनाओं में अनुदानित दर पर बीज प्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 1 माह यानी 15 अगस्त तक कर सकते हैं। किसानों को ऑनलाइन आवेदन संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक से प्राप्त होगा। ध्वस्त हो गया गोपालगंज अस्तरघाट महासेतु पुल का संपर्क पथ। 16 जून को सीएम ने किया था उद्घाटन। इसी साल 16 जून को जिस महासेतु का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया, उससे महासेतु का संपर्क रोड बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इस पुल के पहुंच पथ के ध्वस्त हो जाने के कारण आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। चंपारण, तिरहुत और सारण समेत कई जिलों से संपर्क टूट गया है। 264 करोड़ की लागत बनाना अस्तरघाट महासेतु का संपर्क टूटने के कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। लॉकडाउन के दौरान हाई कोर्ट में नहीं होगा काम। कोरोना संकट के कारण राज्य में दोबारा लगे लॉकडाउन के दौरान पटना हाई कोर्ट परिसर में आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि कुछ अधिकृत लोगों को इस पाबंदी के दायरे से बाहर रखा गया है। बिहार में चुनाव का अनोखा तरीका, ईवीएम छुए बिना वोट, शीशे की दीवार और सीरिंज से इंक। कोरोना काल में पहली बार देश में चुनाव होने जा रहा है। करोड़ों वोटर्स वाले राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए खास तैयारियां की जा रही है। ईवीएम को छुए बिना वोटिंग के लिए टूथपिक के बराबर बांस की लकड़ी, पोलिंग ऑफिसर्स की टेबल पर शीशे की दीवार, डिस्पोजल सीरिंग से उंगलियों पर निशान जैसे उपायों पर निर्वाचन आयोग विचार कर रहा है। कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार जैसे बड़े राज्य में चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुल के टूटने पर कसा तंज, खबरदार।
अगर किसी ने नीतीश सरकार को इसका भ्रष्टाचार कहा तो। बिहार के गोपालगंज में 264 करोड़ की लागत से बना 70 घाट महासेतु पानी के दबाव से ध्वस्त हो गया। इसी मामले में नीतीश सरकार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वीडियो पोस्ट कर तंज कसा है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा, 8 वर्ष में 263.47 करोड़ की लागत से निर्मित गोपालगंज के 70 घाट पुल का 16 जून को नीतीश जी ने उद्घाटन किया था। आज 29 दिन बाद यह पुल ध्वस्त हो गया। खबरदार, अगर किसी ने इसे नीतीश जी का भ्रष्टाचार कहा तो। 263 करोड़ तो सुनसनी मुंह दिखाई है, इतने की तो इनके चूहे शराब पी जाते हैं। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो आज का सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, सूर्य की रोशनी कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8 मीटर 20 सेकंड, ऑप्शन बी 7 मीटर 56 सेकंड, ऑप्शन सी 9 मीटर 2 सेकंड और ऑप्शन डी 2 मीटर 48 सेकंड। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अगली। उन्हें अप्रोच और पुल का अंतर नहीं पता, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने 70 घाट पुल को लेकर सफाई दी है। नंदकिशोर यादव ने कहा कि 70 घाट पुल से कटाव का कोई लेना देना नहीं है, पुल पूरी तरह सुरक्षित है और जो कटा हुआ है वह पुल से काफी दूर अप्रोच है। आरसीबी टेक्स्ट की वजह से टूटा 70 घाट पुल, तेजस्वी बोले, मंत्री नंदकिशोर यादव को बर्खास्त करे नीतीश। गोपालगंज में 70 घाट पुल टूटने के बाद तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि आरसीबी टैक्स के कारण बिहार में पुल टूट रहे हैं, पुल कितने हालतों में टूटी है इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्री नंदकिशोर यादव पर एक्शन ले। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को तुरंत नंदकिशोर यादव को मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। बिहार में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने जिलों से मांगी सहायक निर्वाचन अधिकारियों की सूची। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसके मद्देनजर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने राज्य के सभी जिलों में सहायक निर्वाचन की सूची मांगी है। विभाग ने जिलों से वर्तमान में नामित सहायक निवासी पदाधिकारियों के अलावा सहायक निर्वाचन अधिकारियों के पद नाम सहित नए प्रस्ताव मांगे हैं। गंगा के जलस्तर में हो सकती है 2 से 5 फीट की वृद्धि, बिहार में इस बार मानसून समय पर आ गया और बारिश भी अच्छी हो रही है। ज्यादा बारिश के कारण गंगा, सोन नदी, कोसी, पुनपुन सहित दर्जनों सहायक नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में गंगा नदी में 2 से 5 फीट पानी के बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। 2 IPS अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार, 2 IPS अधिकारियों की CTSP के पद पर नियुक्ति किया गया है क्योंकि 2 IPS अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 2 IPS को पटना पुलिस अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार देने का निर्देश पुलिस मुख्यालय के IG ने दिया है। चुनाव आयोग को महागठबंधन ने सौंपा मांग पत्र, राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल बिहार में चुनाव ना हो तो ज्यादा बेहतर है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि सभी पार्टियों को चुनाव प्रचार का एक समान अवसर मिले। दिल्ली से दरभंगा जा रही बस NH 28 पर पलटी, हादसे में एक यात्री की मौत और 36 यात्री जख्मी। दिल्ली से दरभंगा जा रही एक यात्री बस गुरुवार को करीब 1:30 बजे जिले के अंबा गांव के समीप NH 28 पर पलट गई। हादसे में एक यात्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी जबकि 3 दर्जन यात्री जख्मी हो गए हैं। चलिए अब वक्त हो चुका है कल के प्रश्न का सही जवाब जानने का। कल के प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बुद्ध। जिन्होंने भी सही जवाब दिए उनको बहुत बहुत बधाई। उनमें से जो सबसे पहले 20 ने जवाब दिए उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। अगर YouTube की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए हैं उनके नाम है संजीव कुमार, उसके बाद है सासंक झा, सत्यम शिवम, राजेश कुमार, संकेत शिवम, शिवानी शिवम, अक्षय राज, मिथुन कुमार, सोनू कुमार और प्रीतम कुमार। इसके अलावा अगर फेसबुक की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए हैं उनके नाम हैं शिवम यादव, उसके बाद है प्रतिभा झा, सत्यम यादव, परशुराम कुमार, संकेत शिवम, मिथुन पटेल, मनीष यादव, बिट्टू राज, पुष्पेश परासर और स्वामीनाथ गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।